हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके उन एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन आता है, तो ये वीडियो जो है उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये करंट अफेयर जो है वन लाइनर होंगे। हम ट्राई किया करेंगे कि आपको जो करंट अफेयर की वीडियो है वो डेली प्रोवाइड करवाई जाए। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज डिसाइडेड टू मेक गे सेक्स अडल्ट्री पनिशेबल विद डेथ बाय स्टोनिंग, यानी कि किस राष्ट्र ने समलैंगिक सेक्स व्यभिचार को पत्थर मारकर मौत की सजा देने का फैसला किया है। सो फ्रेंड्स, वो नेशन है ब्रुनेई। ये जो है एक स्मॉल साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जहां पर जो है शरिया लॉ को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच नेशन हैज बैरेड इट्स ओपोजिशन लीडर जुआन गुआदो फ्रॉम पब्लिक ऑफिस फॉर 15 ईयर्स, यानी कि किस राष्ट्र ने अपने विपक्षी नेता जुआन गुआदो को सार्वजनिक पद पर 15 साल के लिए रोक दिया है। सो फ्रेंड्स, वो नेशन है वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज बीसीसीआई इंटरिम एथिक्स ऑफिसर, यानी कि बीसीसीआई के अंतरिम नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो ये ऑफिसर जो है नियुक्त किए गए हैं वो हैं रिटायर्ड जस्टिस DK जैन। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच इवेंट्स हैज बीन रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि इन शॉर्ट में IOC, फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा जो है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस आयोजन की सिफारिश की गई है। सो फ्रेंड्स, वो इवेंट्स है ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव है, जर्मनी हैज एक्सटेंडेड अ बैन ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट टू दिस नेशन बाय 6 मंथ्स, यानी कि जर्मनी ने इस राष्ट्र में हथियारों के निर्यात पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, वो नेशन है सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच नेशन हैज डायरेक्टली मूव्ड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशंस टू डेजिग्नेट अजहर एज ग्लोबल टेररिस्ट, यानी कि अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए किस राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र में प्रत्यक्ष रूप से एक मसौदा प्रस्ताव पारित किया है। सो फ्रेंड्स, वो स्टेट है US, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे जो है सपोर्ट किया है फ्रांस और UK ने, जहां पर जो है मसूद अजहर जो है जैश ए मोहम्मद जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है उसके चीफ हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच मिनी रत्ना कैटेगरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑन March 29, 2019 केम आउट विद द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इन शॉर्ट में IPO, यानी कि 29 मार्च 2019 को किस मिनी रत्न श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की शुरुआत सार्वजनिक पेशकश के साथ हुई। सो फ्रेंड्स, वो है मिनी रतन रेल विकास निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर एट है, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन शॉर्ट में UNSC, ऑन March 28, 2019 अनएनिमसली पास द रेजोल्यूशन टू कॉम्बैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो है 28 मार्च 2019 को सर्वसम्मति से निम्नलिखित में से किसका मुकाबला करने का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए डेजर्टिफिकेशन, यानी के मरुस्थलीकरण, ऑप्शन बी टेरर फंडिंग यानी के आतंक निधिकरण, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल वेपन्स यानी के जैविक हथियार, या फिर ऑप्शन डी क्लाइमेट चेंज यानी के जलवायु परिवर्तन। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी टेरर फंडिंग। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हेन इज द वर्ल्ड थिएटर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। सो ये हर साल मनाया जाता है 27 मार्च को, जहां पर जो है लोगों का अटेंशन ड्रॉ किया जाता है पावर ऑफ द स्टेज, यानी कि स्टेज की ताकत की तरफ। और ये डे एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में किनके द्वारा, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा, इन शॉर्ट में ITI द्वारा, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट्स को परफॉर्म करती है, यानी कि कला को परफॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सेलिब्रिटी रिसेंटली लॉन्च द इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल INCINK, यानी कि हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने स्वतंत्र संगीत लेबल INCINK लॉन्च किया है।
सो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है रणवीर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्वयं एन इंडिजेनस आईटी प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इन शॉर्ट में मूक। यानी कि स्वयं का पूर्ण रूप क्या है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की मेजबानी के लिए एक स्वदेशी आईटी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए है स्कूल वेबसाइट ऑफ एक्टिव लेसन फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन बी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन सी है स्टूडेंट वेबसाइट ऑफ एक्टिव इंटरेक्शन फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, या फिर ऑप्शन डी नन। सो फ्रेंड्स, स्वयं का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जहां पर जो है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईआईटीज, आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे उन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और फैकल्टीज द्वारा जो है भारत के नागरिकों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान जो है किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का कहां पर शिलान्यास किया है, यानी कि वेयर इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन ए औरंगाबाद, बी बक्सर, सी कोयम्बटूर, डी दियोली, या फिर ऑप्शन ई इटुमनूर। सो फ्रेंड्स, इसकी जो फाउंडेशन रखी है वो रखी है ऑप्शन बी बिहार के बक्सर शहर में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।